तो फाइनली मैं अपना इजी डीआईवाई ले आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी 4 डीआईवाई जो आप बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट DIY मैं करूँगी इस बॉक्स का। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लूँगी, इस तरह से ये इजीली निकल के आएगा। अच्छे से इसका कवर हम निकाल लेंगे और फिर इसे हम क्लीन कर लेंगे। जितना निकलता था उतना हमने इसको रिमूव कर लिया है और इसके बॉर्डर को ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट हम इसके ऊपर जस्सो अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास में जस्सो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्सो बेसिकली जो सरफेस होता है उसे पेंट रेडी करता है, आपके कलर को वो होल्ड करता है। आपकी सभी सरफेस को जस्सो अप्लाई करते हैं तो उसे नेचुरली ड्राई होने दीजिए। एंड ये अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं। कलर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ करूँगी कार्बन पेपर की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैं इसे आउटलाइन करूँगी। इस तरह से हमें आउटलाइन कर लेना है। कलर होने के बाद हम पेंट कर लेंगे इसे। इस तरह से हमने पेंट कर लिया है। ब्रश की हेल्प से मैं इसके ऊपर डॉट्स इस तरह से बनाऊंगी, काफ़ी सुंदर ये लगेगा। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर वार्निश कर लूँगी। वार्निश करना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सिक्योर रहती है। इस तरह से हमारा DIY रेडी है। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक चकला लिया है। तो ये चकला काफ़ी पुराना है तो इसे मैंने क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट इसका जो स्टैंड है वो टूट गया है, आप देख सकते हैं, तो इसे हम डिटैच कर लेंगे। चकले के ऊपर जो भी छेद थे तो उसे हम यहाँ पे वॉल पुट्टी की हेल्प से पैक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी का डो यूज़ किया है, सिंपली वॉल पुट्टी और उसमें पानी ऐड किया था। इस तरह से हमने इसे पैक कर लिया है। नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे वॉल पुट्टी को। थोड़ा हमने रनी बना लिया है वाटर ऐड करके।
इस तरह से हम ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। अभी हम सैंडिंग करके इसे वाइप कर लेंगे। तो हल्के हाथों से आपको रब करना है। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मैंने एक गिफ्ट रैपिंग पेपर लिया है, इसके ऊपर भी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी सेम। पेपर के ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया था उसे मैं कट कर लूँगी। जो भी मैंने सर्कल बनाया था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने वाइट ग्लू अप्लाई कर लिया था और इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्ट्रक करूँगी। बहुत ही धीरे से आपको इसे अप्लाई करना है और जो भी ऊपर में बबल्स वगैरह आते हैं तो उसे आपको पॉलीथीन या किसी कॉटन की क्लॉथ से इसे क्लीन कर लेना है। ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर मॉड पॉज ग्लू अप्लाई करूँगी। मॉड पॉज ग्लू बनाना बहुत ही आसान है। फेविकॉल में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और उसको थोड़ा सा रनी बनाना है और इस तरह से हमारा मॉड पॉज रेडी हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रे का बॉर्डर है उसे मैं पेंट करूँगी और इसे ड्राई होने के बाद वार्निश कर लूँगी। और आप इस तरह की चीज़ें टेबल डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टेबल पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर कैंडल्स लगा सकते हैं या फिर डेकोर के लिए या वॉल हैंगिंग के ऊपर भी आप हैंग कर सकते हैं। डिटेलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है। ड्राई होने के बाद मैं वार्निश अप्लाई कर लूँगी। डेकोर करने के लिए हमारा ट्रे रेडी हो चुका है तो इसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक पिछले साल का मिट्टी का दिया है तो इसका पेंट जो है वो निकल गया है तो इसे भी हम रीयूज़ करेंगे। वॉश करने के बाद मैं इसके ऊपर जस्सो अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास में जस्सो नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे पेंट कर लिया है। ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे डिटेलिंग करूँगी। इस तरह से डॉट्स, सिंपली हम डॉट्स बनाएंगे। हर बार क्या होता है कि हम लोग नई चीज़ें लाते हैं और पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ये पुरानी चीज़ों से हम बहुत सुंदर DIY बना सकते हैं। इस तरह से हमारा DIY रेडी हो चुका है। हम इसे कहीं पे भी गार्डन में या फिर घर के अंदर भी इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए हम लेंगे यहाँ पे सीडीज़। इस तरह की जो सीडीज़ होती है तो उसे हम यूज़ करेंगे और इससे एक प्यारा सा डेकोर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्ले लिया है। क्ले को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हम शुभ लाभ लिख लेंगे। ये जो क्ले होता है ये वाइट ग्लू से इजीली चिपक जाता है। क्ले को कट करने के लिए आप किसी भी कटर का यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे। सेम डिज़ाइन हम दोनों भी सीडीज़ के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पीछे की साइड में इसको होल था तो इसे हम पैक करेंगे। इस तरह से हमने एक पेपर लिया है तो इसे हम कट करके इसके पीछे की साइड में हम पेस्ट करेंगे। ड्राई होने के बाद हम इसे पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया था। इस तरह से मेरा पेंट भी ब्लैक ड्राई हो चुका है। दोनों भी सीडीज़ ड्राई हो जाए तो हम इसके ऊपर कलर करेंगे। काफ़ी अच्छा ये विंटेज लुक देता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लीव्स के ऊपर किया है। कलर को अच्छे से ड्राई होने के बाद हम ड्राई ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मेटेलिक गोल्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस तरह से सिंपली हमें उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों को भी रेडी कर लिया है इस तरह से। नेक्स्ट हमें इसका सेंटर पार्ट रेडी करना है। तो हमें एक और सीढ़ी ले ली है तो उसके ऊपर हम ये गणपति यहाँ पे स्टक करेंगे। ये जो गणपति था की चेन में जो रहता है वो निकल गया था, टूट गया था, तो उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमें इसे सेंटर में लगाना है तो हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। पहले इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। इस सेंटर पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे, पेंट कर लेंगे।
यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स रेडी हैं, तो हम यहाँ पे क्ले की हेल्प से इसे हम स्टक कर देंगे आपस में। इसे सपोर्ट देने के लिए आप पीछे की साइड में भी कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी लगाया नहीं है, बट मैं लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये वॉल हैंगिंग हमारा रेडी हो चुका है। इसे हैंग करने के लिए हम दो क्लिप्स यहाँ पे लगाएंगे पीछे की साइड में। तो यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रांग ग्लू यूज कर सकते हैं, इजिली चिपक जाएगा। बहुत ही प्यारा सा वॉल डेकोर हमारा रेडी है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।